दोस्त ने अपने घर बुलाया, मैं उसके घर जाके पहुंचा। अब मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं, डेढ़ घंटा गुजर गया, वो पहुंच ही नहीं रहा। मैं कहा कितने वे, कभी उसके हाउस हेल्प से पूछ रहा हूं, कभी घर वालों से, तो वो कहने लगा कि वो अपने बेटे के लिए फूलों के हार खरीदने के लिए गया है। मैंने कहा माशाल्लाह, हो सकता है बेटे ने कोई अच्छा काम किया हो। वो हार लेके आया, बेटे को हार पहना रहा है, तालियां बजा रहा है, साथ उसके तीन चार दोस्त, बड़े खुश। मैं कहा यार क्या हुआ, फर्स्ट आया है? कहता नहीं, मैंने अपने बेटे को एक बात समझाई थी कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात करे जो तुम्हें अच्छी ना लगे, या तुम्हें गुस्सा आ जाए, या तुम्हारी लड़ाई हो जाए, तो घर खाली नहीं आना, दूसरे का सर फाड़ के आना। मेरे बेटे ने आज अपने क्लास फेलो के नाक की हड्डी तोड़ दी है, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए हार खरीदने के लिए गया था। थोड़ी देर बाद बेटे ने कहा बाबा मैंने पिज्जा खाना है। बाप ने पिज्जा मंगाया, बेटे को गुस्सा आ गया। बेटा कहने लगा कि मैंने आपको कहा था मुझे चिकन पिज्जा खाना है, आपने बीफ क्यों मंगवाया? उसने कहा बेटा सॉरी। नहीं बाबा मुझे गुस्सा आ गया। कहता है बेटा क्या हो गया, कल मंगवा दूंगा। बच्चे ने बाप के मुंह पे, और वो उस बात के डिप्रेशन में था। उसको समझाने के लिए वहां बैठा था, इसलिए मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अपने बच्चों को प्लीज हाथ चालाकी करने से, किसी पर हाथ उठाने से रोकिए। उनको प्रमोट मत करें, उनको हल्लाशेरी मत दीजिए, अपने बच्चों को समझाइए। क्योंकि मेरा मजहब ये कहता है एक सच्चा मोमिन वही है जिसकी जबान और जिसके हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचे। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से हमारी इस हॉटी ऑफ द टाउन टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। अरे ओ शेरा, मेरे इस दोस्त को इज्जत और प्यार से यहां से ले जाया जाए। ये वाह 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 वाह, माशाल्लाह। सर वहां क्यों हैं आप? सर यहां आइए ना, क्या बात है। मेरा प्यार पछाण ना, कंबली ओए मुटियार हाण दी, कंबली ओए मुटियार हाण दी, दिल दिया लगिया जाने ना। मेरे दिल विच प्यार जगा के, मेरे दिल विच प्यार जगा के, टुर पईए कन्नी कतरा के, मुड़ मुड़ के दी तकनी है, नहीं कहना जे सामने आके, हाय हाली असी सयाने ना। मेरा प्यार पछाण ना, कंबलिए मुटियार हाण दी, कंबलिए मुटियार क्या बात है। तस्वीर रखिए सर, तस्वीर रखिए। क्या बात है अंकल जी, तुसी सारा कुछ ही पाया है। ये शौक है या घर रख ली अलमारी कोई नहीं? इना कुछ तुसी पा लिया है, बस एक छोटी जी एहतियात है कि लंघते हो किसी खंबे नू हाथ नहीं। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक खूबसूरत इंसान है, आपकी खूबसूरत आवाज है, आपका खूबसूरत गेटअप है।
जो आपके साथ बैठे हुए हैं सर, क्या पर्सनैलिटी है सर, इनके लिए भी तालियां, क्या बात है। इमरान भाई, अभी जो आप बात कर रहे थे कि बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, क्या समझाना चाहिए, जिधर कह रहे हैं चंडी चंडी हो जाओ, लोका ना लुका करो किसी से, हाँ ये बुरी बात है, लेकिन अगर कोई करे फिर तो इन्हीं के बच्चे नु छूटे ना, नहीं छूट भी फिर भी नहीं, बच्चे को ये बताएं कि किसी के साथ इतने फ्री मत हो कि कोई तुम्हारे गिरेबान तक आ सके, और अगर कोई बदतमीज बच्चा है तो उसकी शिकायत आके अपने वालदैन को बताएं, स्कूल में प्रिंसिपल को बताएं, और प्रिंसिपल और वालदैन सब इतने जिम्मेदार हो कि हमारे माशरे से ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो, क्योंकि बच्चे के जहन में अगर लड़ाई मार कुटाई डाल देंगे तो उसको यही लगेगा कि हर मसले का हल सिर्फ और सिर्फ हाथ थापाई है। हालांकि दुनिया के बड़े बड़े मसले, बड़ी बड़ी जंगें टेबल पर मुज़ाकरात पे खत्म हो जाती हैं। हमारी आज की मेहमान एक्ट्रेस 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 परफॉर्मर परफॉर्मर परफॉर्मर, जिस किरदार में दाखिल होती है उस किरदार को 4 चांद और 2,55,000 सितारे लगा देती है। यार क्या बात है, जो जो किरदार किया, जो जो किरदार किया, कभी देखा इसको तो मेंटली चैलेंज्ड रोल कर रही है, कभी कुछ कर रही है, हर किरदार पिछले किरदार से मुख्तलिफ, हर परफॉर्मेंस पिछली परफॉर्मेंस से बड़ी, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, मैंने जब अपनी जिंदगी का पहला ड्रामा किया, मेरी जिंदगी की पहली हीरोइन, अ वंडरफुल परफॉर्मर, अ वंडरफुल एक्ट्रेस, अ वंडरफुल ह्यूमन, हमारी दोस्त शहजादी, साडी शहजादी सोनिया हुसैन। जिसके साथ आपका करियर शुरू हुआ हो, नसीब खुलना होता है ना, तो जब नसीब खुल रहा हो जिसने सोफे तक जाना है, वो फिर हम भी तो फूल बिछाएंगे ना, आइए प्लीज 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 तशरीफ रखिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह, वेलकम जी, थैंक यू, ओ माय गॉड, सच अ वॉर्म। मैंने पत्तियां रखी हैं सी, ओ पाइनो पांच पाण वाली पत्तियां सी। शेरा माशाल्लाह, ये हमने छोटे पैकेट में सलमान खान रखा है ना, दखल में। और ये 7 फिट के जवान थे, अच्छा आपका इंतजार करते करते इतने को बचे। दुनिया न्यूज की तरफ से, मुज़ाकरात की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से इतनी जबरदस्त शानदार अदाकारा यहाँ मौजूद है, तो फिर ए लड़की क्या मेरा ये बनता नहीं है कि मैं यूं करके इसको कहूं वेलकम, वेलकम टू द शो, थैंक यू। चलो मैं इसे लगा लेती हूं। सोनिया, सोनिया जी, भाई सोनिया जी के आने पे इमरान भाई मैं कलाबाजी लगा लेता हूं। तिन्ने अक्सर कोट पांदे हो, तिन्ने अक्सर कोट पांदे, अक्सर कोट पांदे हो, ते आज भी कोट पाया है, आज नवा काम ते वेखो, ओ फुल ने फुल लाया है। फुल ने फुल लाया है, देखो
अज तुहानू वेखण लई खुरक वाली बांदरी और गज्जा रिछ वी आया। आपकी नजर, पहले तो वेलकम मुज़ाकरात, थैंक यू। फिर आपकी नज़र एक शेर के, वो कौन है जिसने मैं नहीं चखी, मैं वो कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, आए मैं कदे से जो बच निकलता है आपकी आंखों में डूब जाता है। आए। आए। सोनिया जी के आने पे सारी ऑडियंस इतनी खुश हुई है। अगर आप कहें तो मैं यहाँ कलाबाजी लगा। क्या बात है सोनिया हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मतलब आते ही मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह से मेरी कोई एनर्जी लेवल आसमान पे चला गया। अच्छा सोनिया जी, आपने टेलीविजन में काम किया, फिल्म में किया, मतलब कि दुनिया के हर शोबे में काम किया और उतनी हिट हुई आप, तो आपने कभी सोचा था मजाक रात में मेरे साथ बात करने का चांस मिलेगा? देखिए जी, हर रोज को सवाल और ये तो हमने सुन रखा था कि हर रोज को सवाल है, लेकिन हर सोनिया को सगावत है ये नहीं सुना। सोनिया जी, जी जी, इतने मुश्किल किरदारों में कैसे दाखिल होती है, क्या फॉर्मूला है एक्टिंग का? बस गाड़ी में बैठ के चली जाती हूँ साइड पे। ये तो हो गया मजाक जी। मजाक पे सब हंसे भी, हमने ताली भी बजाई, अब जवाब दे। बेसिकली इमरान, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि क्योंकि जब आप उस एक्टर से बात कर रहे होते हैं जो खुद उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझता है, मतलब आपको भी पता है कि साल में कितने ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली हर चैनल पे जितने ड्रामास चल रहे हैं वो स्क्रिप्ट आपके घर पे आके रखे हुए होते हैं, मगर हार्डली कोई शाज़ो नादिरी कोई ऐसा कहानी होती है जो दिल को छू जाती है, जो आप पढ़ रहे होते हैं तो आप कभी ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं, कभी आप अचानक से हंसने लग जाते हैं, कभी वो रोमांस ऐसा लगता है आपके साथ हो रहा है कहानी के अंदर, तो मुझे लगता है ऐसा लगता है जी नहीं, क्योंकि यानी कि जब आप अकेले बैठी रोमांटिक सीन पढ़ रही होती है तो आपको लगता है कि छोड़ो ना मेरा। चले जाओ, कोई आ जाएगा क्या? मुझे वैसे चलो अच्छा हो हम एक्टर हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मोहब्बत और रोमांस जो शायद कहानियों के लिए रह गए हैं। मोहब्बत की कमी है दुनिया में अब? आई थिंक इजहार की कमी है, इजहार जहाँ होता है ना आपको अच्छा लगता है। सच्ची मोहब्बत इजहार का मतलब है, वाह। पुराने दौर से तो इजहार होता ही नहीं सी, क्यों नहीं तुम्हारे सामने बैठा है? इजहार नहीं होया, बुरा हाल होया। आजकल इजहार झूठा भी होता है। इजहार झूठा भी होता है, नहीं जो समझ सकते हैं मोहब्बत उनको पता लग जाता है झूठा है कि सच्चे दिल से आ रहा है। तो मोहब्बत को जांचना आपके लिए आसान है, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन में सच्ची और झूठी मोहब्बत उसको जांच लेती हैं आप? बिल्कुल, जिनको करनी आती है उनको पता होता है। मोहब्बत करनी आती है आपको? जी जी। ओए सोनिया को मोहब्बत करनी आती है? Sonia Hussain is here on Dunya News. Keep on watching Mazaak Raat. हमने अपनी जिंदगी में ज्यादातर ये सुना कि बेटे ने घर वालों के लिए ये किया, या इससे बढ़कर हमने ये सुना जो कि बहुत अच्छी बात है कि लड़की अपने पैरों पे खुद खड़ी हो गई, लेकिन हमने आपके बारे में ये सुना कि एक बेटी ने अपने मां बाप को घर अपनी मेहनत से बनाकर गिफ्ट किया। क्या फीलिंग थी?
जब घर की चाबी अपनी माँ के हाथ में दे रही थी? बहुत डिफरेंट थी, बहुत मुश्किल था, छुपाया सारे, मतलब मैंने कहा मैं बताऊंगी नहीं नहीं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं दिल से करना चाह रही थी। फिर जब गई हूँ घर में तो वो एक इमरान वो जो खुशी थी और वो मोमेंट था और वो माँ बाप के आँखों में जो आंसू होते हैं, मुझे लगता है ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कीमती लम्हा हो ही नहीं सकता। अरे क्या बात, देखो जी अच्छी औलाद की निशानी होती है कि माँ प्यो घर बना के दे दिता है, वेखो भी बैठा है घर बेच के यूनान गया है, जाने फड़े गया, हुण प्यो पुत्र दमोरिया पुल के थले रहन दे। सरदार साहब वर्गी औलाद नहीं पैदा होनी, अलहम्दुलिल्लाह माँ प्यो की खिदमत इन्होंने की। लेकिन उसे देखो ना जी, माँ बाप अगर पढ़े लिखे हो तो औलाद बड़ा अच्छा अप्रिशिएट कर देने जी। मेरा प्यारा यार तुमने हमारे लिए क्या किया, सरदार साहब के माँ बाप इतने सादे लोग, वो बहुत भी खुशी च होना देख कहते तू साडा है ही नहीं पुत्र। सोनिया जी को दो बोल डेडिकेट करना चाहूंगा अगर जी, आप प्लीज कीजिए, क्योंकि उसमें इनका नाम भी आता है। आए 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 सोनिए जे तेरे नल दगा मैं कमावा, ते रब कर मैं मर जाऊं, दिल तेरा कदी जे दुखावा, ते रब कर मैं मर जाऊं, मर जा। सोनिया जे तेरे बाजो कंगा कदी और आज मैं गिला करने आया हूँ सर। जी कीजिए। कैसे शामिल हुई सर हमारी गुफ्तगू में, गालियां कैसे शामिल हुई? आहिस्ता बोल, पिछली बार भी तू अपना कुर्ता पड़वा लिया। गाली देना एक इंतहाई गैर मुहज़्ज़िब बात है, लेकिन अफसोस गाली हमारी गुफ्तगू में ऐसे रच बस चुकी है कि हम गालियां देते हुए जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। आए, आए, आए। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि हम अपने दोस्तों से मजाक में गुफ्तगू करते हैं उसमें भी गालियां देते रहते हैं, क्या यही हमारी तहजीब है? इसमें मैंने खूबसूरत छोटा सा शेर लिखा है जी। वो जो इखलाक और अदब से आरी, वो जो इखलाक और अदब से आरी, वो सभी कुछ हो खुश नसीब नहीं, गाली देना तौहीन इंसान है, ये मेरी आपकी तहजीब नहीं। गाली देने से होता नहीं कोई फायदा, स्वीटी 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 तेरा प्यार चाहिदा, स्वीटी 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 तेरा प्यार चाहिदा, स्वीटी 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 तेरा प्यार चाहिदा। गाली देना तो इतनी आम हो चुकी है कि हम अपने बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने भी गाली देने में झिझक महसूस नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। इस पर भी मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है, बेतकल्लफ तो दोस्त होते हैं, हद से बढ़ना कोई खता तो नहीं, मुस्कुराने में है अदा शामिल, गाली देना कोई अदा तो नहीं, खुश इखलाकी बराए नाम हो गई, ऐसे लई ता मुनी बदनाम हो गए, ऐसे लई ता मुनी बदनाम हो गई। मैडम बिलीव करें बिग फैन, मैडम मेरा वक्त नहीं बदल रहा, मैं खूबसूरत होना चाहता हूँ। खूबसूरत होना चाहते हो? हाँ हाँ। मुंह के आगे हाथ रख लो। इमरान साहब मैंने कहना मैं इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा मैं कहा केड़े हलके जो कहना जी मेरे खंड थले पे। मैडम ये देखे मेरे साथ मजाक कर। मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं लगता जी। नहीं उदन थोड़ा परस चुके दौड़े।
नहीं यार मैडम, मेरी आंखों में कुछ नजर आ रहा है आपको, मोतिया मैडम मेरी आंखों में कुछ नजर आ रहा है आपको, ये देखें जी, सब कुछ नजर आ रहा है, थोड़ी सी हया होती तो आप बिलीव करें मैडम, मैं वही स्टूडेंट हूँ जो आपकी क्लास में आखिरी बेंच पे क्यूट सा खूबसूरत सा बच्चा, सर मैं ही हूँ वो। अच्छा अच्छा मैडम, आपकी आंखों के लिए खूबसूरत शेर लिखा है। अरे वाह वाह, ओए के मैडम ये हूँ शुरू करना काम। अच्छा क्या कहने, लम्हा 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 मैडम, लम्हा लम्हा जी जी, लम्हा 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 के आगे जिस तरह तू कह रहा है ना, लम्हा लम्हा तेरा आखिरी लम्हा लग रहा है। लम्हा 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 वाह, लम्हा लम्हा सोचने वाली वाह 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 वाह, लम्हा लम्हा सोचने वाली आंखें। मैं कहना ही नहीं का, तू वो कहला, तू 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 लम्हा 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 सोचने वाली आंखें, उनकी आंखें देखने वाली आंखें, उनको भूलूं भी तो कैसे भूलूं, हंसते हंसते रोने वाली आंखें, ये आंखें करेगी अनहोनिया, ऊ आ यू आर माय सोनिया, यू आर माय सोनिया। सोनिया, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे। वो भी डर गई है। कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे चल रहा है मजाक रहा। मजाक रात में वापसी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए मजाक रात। अभी मैं थोड़ी तलाशी लेनी, तुम्हें मेरा एंकर गायब किया है। बड़ा फनी शो है। ओ अच्छा, हम चल रहे ये चल रहा है, आपको लगा मैं भी लगे हुए। सोनिया, जितने स्टैंड आउट और वर्सेटाइल कैरेक्टर्स आप करती हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर नेशनली या इंटरनेशनली जो आप देखती हो और कहती हो कि आई रियली वांट टू डू समथिंग लाइक दैट? बड़ी एक सीरियस बात है, एक मजाक वाले शो में, लेकिन नहीं, हम सीरियस बात करते हैं। इस शो की बेस सीरियसनेस और माशरे की अच्छाई की जानिब, और ये बड़ा ज़रूरी है इमरान, क्योंकि ज़िंदगी इटसेल्फ इतनी ज़्यादा सीरियस और इतनी संजीदा है कि जब तक उसमें थोड़ा हंसी मजाक नहीं होगा तो फिर आप नहीं सरवाइव कर सकते। वो बड़ा अच्छा शेर मुझे लगता है कि सजा के रखते हैं चेहरे पे जो हंसी की किरण, सजा के रखते हैं चेहरे पे जो हंसी की किरण, न जाने रूह में कितने शिगाफ रखते इमरान। वैसे तो आपको पता है कि जैसे आप भी एक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अदाकार है, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं आपको लगता है कि ये हमें मिलने चाहिए, लेकिन एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में मैं कहानियाँ सुनती हूँ, जैसे कि आपको पता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर बात नहीं की जाती, उसको बहुत दबाया जाता है, डार्क वेब हो गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई है, फिर वहाँ से ले जाके उनको ड्रग्स में लगा देते हैं, फिर उनको यू नो अब्यूज़ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है फिजिकली भी मेंटली भी, और फिर ब्रोथल में लेके जाते हैं उनको, ब्रोथल में उनके बाल काट देते हैं और उस तरह से ही उनको यू नो, तो ये चीज़ें बड़ी एक सोसाइटी का बहुत बड़ा डार्क एक साइड है जो हमें नहीं पता। मुझे लगता था ये किरदार कभी मेरे पास आएगा तो मुझे लगता था कि ये मुझे निभाना चाहिए और बताना चाहिए कि जिंदगी में और लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है और किस तरह से हम इसको लिख दें आपके लिए, हुक्म करें। मैं कर रही हूँ, क्या बात, हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक आपने ऑन एयर ये बात कही है कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। क्या नफरत भी सिर्फ एक बार होती है? मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि नफरत इज जस्ट अ फेज,
नफरत नहीं होती, नफरत नहीं होती। आपको कोई शख्स बुरा लग सकता है, उसकी बात बुरी लग सकती है, लेकिन जिस इंसान को मोहब्बत करनी आती हो ना, मुझे नहीं लगता नफरत का एक्सप्रेशन कभी सीखा है उसने। ओए वाह, ये क्या बात, ये क्या बात। पता सी तनु खामोश रहने वाले लोग अच्छे लगते हैं, मैं कदों दा खामोश हूं। तुसी ते इसलिए खामोश हो, तुहाडे पित्ते च पत्थरी। तो ये जो आपने बात कही ऑनर कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, तो उस सच्ची मोहब्बत या उन सच्ची मोहब्बतों का क्या कसूर है जिनके लिए आपने दीवार खड़ी कर दी? नहीं नहीं जवाब दो, हंस के ना टालो। आने उन बेचारों का क्या कसूर है? इमरान पता नहीं, बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे ही। मैं इतना ज़्यादा ज़िंदगी में बिजी हो गई हूँ कि मुझे शायद लगता है इस बारे में सोचने का मुझे अब टाइम नहीं मिलता। हाँ, बस स्क्रिप्ट पढ़ते हुए सारे रोमांस के ख्याल आते हैं। ये ना करो, जवाब दो सोनिया। नहीं, अब क्योंकि ये बात जो मैंने कही थी ये आज से 6 साल पहले कही थी, मुझे लगता है मोहब्बत फिर हो सकती है मे बी। लेकिन एक जो पहली पहली बार का जो एक्सप्रेशन होता है, पहली पहली बार का आपको किसी के लिए, ये 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 आपने बयान कितने साल पहले दिया था ये वाला? आई थिंक ये कोई बैक 6 years back। हाँ, 6 years है। 6 साल पहले सोनिया ये कह रही थी कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, आज मुज़ाकरात में कह रही है कि हाँ हो सकती है। तो इसका मतलब है आधी दीवार टूट चुकी है जनाब। वाह, मोहब्बत दोबारा होगी, मोहब्बत फिर करेंगे। मुझे लगता है इमरान, ये वैसे ही बड़ी सीरियस बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि आपको एक बुरे एक्सपीरियंस के पीछे जाया नहीं कर देनी। वाह वाह, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में। आए, आए, आए। आए। सोनिया, आप तो पाकिस्तान का नेशनल क्रश है, आपका क्रश कौन है? ओए। बता दो ना। क्रश नहीं, ऐसा नहीं, सही बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसा क्रश वगैरह तो कोई नहीं है, लेकिन ये कि पसंद लोग बहुत आते हैं, कभी किसी की बातें पसंद आती हैं, कभी किसी का अंदाज पसंद आता है, तो ये बात नहीं है कि लोग पसंद हैं, उन लोगों की आई थिंक तौर तरीके, उनके आदात। लड़कों की मैं इतनी शक्लें नोट नहीं करती। क्यों सोनिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो पहला क्रश याद है आपको? पहला क्रश जी, पहला क्रश सजाद अली पे था। पानियों पे चल रही है। ट्रोलिंग का कभी सामना करना पड़ा इसका? जी जी, हर वक्त। ज्यादातर किस बात पे होता है? बस कोई ना कोई चीज चाहिए होती है लोगों को, मगर इट्स ओके, किसी के कहने से आप बदल नहीं जाते, आपको आपका सच पता होना चाहिए। क्या बात, वाह। सोनिया जी, आप इमरान भाई भी बता रहे थे कि इनके करियर का आई थिंक आगाज, तो मुलाकात उस प्रोजेक्ट पे हुई थी कि इमरान भाई से पहले मुलाकात थी आपकी? हमारी ऑडिशन पे मुलाकात हुई थी। ऑडिशन पे? हाँ, जिंदगी का पहला ऑडिशन। ओए होए, जनाब बड़े। हाँ, मेरा और इनका। ओए होए, क्या बात, वाह वाह वाह। हुआ क्या, मैं बचपन में काम किया था, उसके बाद कभी सोचा भी नहीं था कि अदाकारी करूंगा। कराची गए, आवाज आई, जी आपका स्क्रीन टेस्ट है, और हम दोनों को एक फ्रेम में इकट्ठे बिठाया गया, मुझे और सोनिया को, और हम दोनों सिलेक्ट हो गए। अच्छा, रसोई टीम ने एक और बात बताई है कि बाबा जी जो चंद तो माई रही सुने तुम पहले उन्हें मंगे भी रहे। आपको इस सेट पे किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही? ये मुझे स्पॉटलाइट की आवाज आ रही है। क्या कह रही है? स्पॉटलाइट का आज दिल धड़क रहा है, आए। तक तक। और वो सोच रही है कि मैं सोनिया हुसैन का सामना कैसे करूं। आए। कौन कौन? स्पॉटलाइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरे पाकिस्तान की, बल्कि जहां जहां उर्दू समझी और बोली जाती है, वो लोग जो अदाकारी को समझते हैं, अदाकारी की नब्ज को जानते हैं,
वो सोनिया हुसैन के टैलेंट को जानते हैं. सोनिया हुसैन, द स्पॉट इज ऑल योर्स, प्लीज कम. एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं सुनी थी, मुझे लगता है कि वो हम सबको पता होनी चाहिए कि कभी कभी हम जिंदगी में कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, सोचते हैं कि बस बड़े दुख हो गए, अब बस अब जिंदगी ख़त्म होनी चाहिए. आई थिंक उनके लिए ये होना चाहिए शेर कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुमसे खो सकता है. इस राह में रहजन है बहुत, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और कुछ तो अक्सर होता है. और कुछ तो अक्सर होता है, जिस लम्हे में तुम जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है. जिस लम्हे में तुम जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा. जो करनी है वो कर गुजरो, जो होगा देखा जाए. कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द खूबसूरत टैलेंटेड वर्सटाइल सोनिया हुसैन. देखते रहिए क्या मजाक रहा. ऑडियंस, हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए तालियां. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. सर क्या हाल है आपका? मेरा हाल आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक. नाम? लाइबा. क्या कहना चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन मैम सोनिया से है कि मैम आप एक्ट्रेस भी हैं इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत पाकिस्तान की. ओए होए ओए. और आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रोल्स भी आपने किए हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? मैं बेसिकली क्वालिफिकेशन वाइज आई एम अ फिजियोलॉजिस्ट, लेकिन बस एक्टिंग जब शुरू हुई तो मुझे लगा कि मे बी ये ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं. लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं सुनते, लेकिन जब उसको आप एंटरटेनमेंट के चादर में लपेट के जब लोगों को देते हैं तो लोगों को बात समझ आती है. तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता अगर सही से यूज़ किया जाए. क्या बात, क्या बात, क्या बात. ये आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इमरान सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. सोनिया मैम आप कैसी हैं? जी मैं भी. आप ठीक हैं? आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं. अरे अरे आपका नाम? जैनब उमर. जैनब उमर. इमरान सर मैं आपको एक पोएट्री डेडिकेट करना चाहूंगी. तो इतना सांस क्यों चढ़ा? कंफ्यूज होगी. क्यों? आपको पहली बार लाइफ में सामने देख रही हूँ. सर तेरी दीद जिसको नसीब, वो नसीब काबिल अजीज, तुझे सोचना मेरी जिंदगी, तुझे देखना मेरी ईद. आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. हम आपका शो स्पेशल देखने के लिए आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और वहाँ पे आपकी एक्टिंग को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है. ऑस्ट्रेलिया से आई हैं? जी बिल्कुल. मेरे लिए कैंगरू लाई हैं. आपका नाम? आमना. आमना जी पूछें. मेरा सवाल ये कि आपने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं उसमें से आपको कोई ऐसा कैरेक्टर को आपको हो कि काश ये मेरी असल जिंदगी होती. यार अच्छा क्वेश्चन. अरे गुड गुड क्वेश्चन. मूसा नाम है मेरा. शहर के बीचों बीच काशाना पीरा नाम की हवेली है मेरी. मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा रहता हूं. ये बात. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपका? मैं ठीक, अल्लाह का करम. सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग हैंडसम एंड माइंड ब्लोइंग. हैंडसम.
थैंक यू सर. जैसा आज आपने शो में आते बोला गाली देना कि भी एक गुनाह ही है, तो मैं उस पर एक पोइट्री सुनाना चाहती हूँ. मत किया कर इतने गुनाह, तोबा की आस पर ए इंसान, बेअतबार सी मौत न जाने कब बाजे. क्या बात है, क्या बात है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जब से शो शुरू हुआ है मैं आपको देख रहा हूँ, आप बड़ी खुश हैं. आपकी वजह से ही समझा कमेटी निकली. मेरी वजह से मतलब? मतलब आपको देखा है फर्स्ट टाइम लाइव. बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. क्या कहना चाहती हैं? पिक्चर लेनी है आपके साथ. पिक्चर लेनी? इधर आओ, आओ, आओ. ये सही है. तीनों लेनी है. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तीनों आ जाओ मेरे साथ. फोन किसके पास है? अरे आप भाई हैं इनके. आ जाए, आ जाए, आ जाए भाई. आए आए आए. क्या हुआ? हाँ, रो क्यों रही हो? अरे क्या हो? बच्चे रो रहे, फोटो सही नहीं आई. अरे रोते थोड़ी है खुशी पे. माशाल्लाह, चले आ जाए. अच्छा स्माइल ठीक क्यों? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. आप भाई हैं, आप इधर आए, इनको माइक दें. भाई आए हैं, अपनी तीन बहनों के साथ आए हैं और सबके सामने ये अपनी बहनों की मदद कर रहे हैं. ऐसे ही भाई चाहिए बिल्कुल हमें. माइक दें इनको. आ जाए बैठे. भाई क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. ठीक है, बिल्कुल ठीक सर. सबसे पहले सर आपको देखने की बड़ी चाहत थी. अच्छा. दिल की धड़कन थी. माइक नहीं पकड़ा जा रहा, मैं पकड़ लेता हूँ. हाँ अब बताएं सर. सबसे पहले सर आप बहुत प्यारे लग रहे हैं और मेरी चाहत थी कि मैं आज आपसे मिलूं और आपके साथ तस्वीर खींचूं. और मुझे ये मोमना लेके आई है मेरी बहन, तो आपके लिए एक शेर है मेरे डेडिकेट करना चाहूँगा आपको. इस दिल में जो आपके लिए मकाम है, इसके आगे तो पूरी दुनिया भी आम है. और कुछ कहना चाहते हैं? और मैं मैडम के लिए कहना चाहूँगा, जो मैडम ने टिच बटन में एक्टिंग की है वो अब तक की बहुत अच्छी एक्टिंग थी और ये दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट अदाकारा है. मोस्ट ब्यूटीफुल अदाकारा. क्या बात है, क्या बात है. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी माओ बहनों के लिए ये बोलती हैं, इनके लिए मैं उनको सलूट करना चाहूंगा. अरे सब सलूट करें सोनिया को. सब सोनिया को सलूट. वाह क्या बात है, क्या बात है. बहुत शुक्रिया मेरी जान. खुश रहें. तस्वीर लेना चाहूंगा. तस्वीर लेना चाहेंगे आप? मैंने दीती सी जड़ी लेना चाहना. पाउट बनाओ, यूं करो. खुश रहे हैं, भाग रहे हैं. आप भी ये माइक साथ ले जाइएगा, राज सुटना नहीं. ओए ओए ऐसे लग रहा रूहानी आ रहे हैं. कितना क्यूट है. ओ मेरा शहजादा. इधर देखो, सामने सामने देखो, सामने. वालिद साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो, जो कि इजाज़त सबको बच्चों के माँ बाप से मांगनी चाहिए, मैं एक छोटा सा बोसा ले सकता हूँ इसका? बहुत शुक्रिया. थैंक यू मेरा बेटा. क्या बात है, क्या बात. क्या बात है, प्लेयर जी. वाह वाह वाह. हाँ जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम. थ्री लेजेंड्स. सर क्या कहना चाहते हैं? सोनी मैम से गुजारिश है कि आप ऐसे हमें दिखाई दिया करें ताकि हम आपको देखते रहें इसी तरह से और आपको याद रखें. मैं आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा गाना चाहूँगा.
लबों के फूल हमेशा यूं ही महकते रहें, तेरे नसीब के तारे सदा चमकते रहें, ये तेरा हुस्न महकता हुआ गुलाब रहे, खुदा करे के सलामत तेरा शबाब रहे, मेरी दुआ है। सोनिया जी, एक दफा फिर सोनिया जी के लिए तालियां। मेरी आपके लिए दुआ है कि जिंदगी में कभी आपकी आंख में आंसू ना आए। थैंक यू वेरी मच इमरान। मैं भी कहना चाहूंगी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं जब 9th में थी तो मेरी टीचर ने ऑटोग्राफ देते हुए एक बड़ा खूबसूरत सा शेर कहा था, मुझे लगता है वो शेर तुम्हारे लिए बनता है। कि उरूज ऐसा नसीब हो तुझको जमाने में कि आसमां भी आपकी वसूतों पे नाज करे। थैंक यू वेरी मच।